लद्दाख में बड़ा हादसा हो गया है। लद्दाख के दौलत बेगोल्डी इलाके में सेना का टैंक दुर्घटना का शिकार हो गया। इस हादसे में सेना के 5 जवान शहीद हो गए। नदी में तेजी से पानी आने के चलते यह हादसा हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर इस हादसे पर दुख जताया है। इस हादसे में सेना के 5 जवान शहीद हो गए। नदी पार करते वक्त यह हादसा हुआ है। लद्दाख में सेना का एक टैंक हादसे का शिकार हो गया। लद्दाख के पास डीओबी यानी दौलत बेगोल्डी में यह हादसा हुआ है, जिसमें भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हो गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस घटना पर दुख प्रकट किया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने पोस्ट करते हुए दुख प्रकट किया है। युद्धाभ्यास के दौरान बताया जा रहा है कि यह हादसा हुआ। नदी पार करते वक्त T-72 टैंक फंस गया और नदी में अचानक पानी आने से यह टैंक फंसा। इस हादसे में 5 सैनिक शहीद हो गए। अमरोहा में नगर पालिका की टीम ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत घर के बाहर निकले छज्जे और अवैध रूप से बनी सीढ़ियों को ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान नगर पालिका की टीम और कई मकान मालिकों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के मुताबिक अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी रहेगा। वार्डो में कई सड़कें जो है, नाले जो है, वो वर्तमान समय में प्रक्रियाधीन है, बन रहे हैं, जबकि नालों पे लोगों द्वारा इंक्रोचमेंट कर रखा गया है तो नाले नहीं बन पा रहे थे। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए छंगा दरवाजा में सड़क बननी है, नाला बनना है, वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा शिकायत की जा रही थी, तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए आज नगर पालिका द्वारा अभियान चलाया गया और छंगा दरवाजे में जो सड़क बननी थी उस पर जो भी अतिक्रमण था आज हमारी टीम के द्वारा जेई जलकल पूरी टीम ने मिलकर जो मुरादाबाद में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। आरोप के मुताबिक पिछले दिनों दबंगों ने घर में घुसकर लड़की को अगवा करने की कोशिश की और विरोध करने पर उसके परिजनों को गोली मारी थी। इस मामले की जांच के दौरान आरोपियों पर जमीन कब्जाने का खुलासा हुआ। जांच के बाद पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने आरोपियों के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया है। इस मामले में मुंडा पांडे थाने के मौजूदा प्रभारी और तत्कालीन थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन कर दिया गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी पर 25,000 का इनाम रखा है। गठन किया गया है जो मुख्य अभियुक्त है उस पर 25,000 रुपए का इनाम मेरे द्वारा घोषित किया गया है और इसमें क्राइम की गंभीरता को देखते हुए ना सिर्फ पीड़ित के विरुद्ध क्राइम है बल्कि ये स्टेट के विरुद्ध भी क्राइम है और इसमें जो दूसरे हमारी एजेंसीज हैं वो सभी भी इसमें गहनता से देख रही हैं। इसी के क्रम में राजस्व विभाग के साथ मिलकर जो उनके द्वारा भूमि का अतिक्रमण किया गया था उसको गिराया गया है और इस प्रकरण में और ज़्यादा कठोर कार्रवाई जनपदीय पुलिस के द्वारा की जाएगी। गाजियाबाद के अंकुर विहार इलाके में एनकाउंटर हुआ है और इस एनकाउंटर में एक अपराधी ढेर हो गया। दरअसल यह हिस्ट्री शीटर बदमाश को पकड़ने आई दिल्ली पुलिस की टीम को पिस्टल दिखाकर बदमाश मन्नू उर्फ सोहेल को छुड़ा लिया गया और उसके बाद जब घटनास्थल पर गाजियाबाद पुलिस की टीम पहुंची तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी। इसमें हेड कांस्टेबल के कंधे में गोली लगी। पुलिस ने इसके बाद बदमाशों की घेराबंदी की और बदमाश मन्नू के भतीजे को पकड़ लिया। हालांकि इस दौरान उसकी पिस्टल लोडेड थी और पिस्टल छुड़ाने के प्रयास में गोली चल गई। मौका देकर मुख्य आरोपी मन्नू वहां से फरार हो गया लेकिन लोडेड पिस्टल से निकली गोली आरोपी रेहान की पैर में जा लगी। इसके बाद हेड कांस्टेबल और आरोपी रेहान को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां रेहान की मौत हो गई। ये जो दोनों अभियुक्त हैं, दोनों बदमाश हैं, रेहान और मन्नू, इनसे और पुलिस के बीच में एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ जिसमें रेहान के द्वारा जो एक गोली चलाई गई उससे एक हेड कांस्टेबल के कंधे पे गोली लगी जो इस समय उपचाराधीन है और उनकी स्थिति डॉक्टर्स के द्वारा बिल्कुल स्टेबल बताई जा रही है। इसी दौरान जब रेहान को कब्जे में लिया जा रहा था और भी जब घटनाक्रम चल रहा था तो उस दौरान रेहान को एक गोली उसके जांग में लगी
इसके पश्चात तत्काल उपचार हेतु रेहान को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे जीटीबी अस्पताल में रेफ़र किया गया था। और कुछ देर पूर्व सूचना प्राप्त हुई कि जीटीबी अस्पताल में इस बदमाश रेहान की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है।